हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉलफिट चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक सबसे ज़बरदस्त कॉइन के बारे में जो अभी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एआई बेस्ड कॉइन है। तो एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी सारे जीपीयूस को कनेक्ट करके ऐसी पावर जनरेट करी जा रही है जिससे जितने भी एआईस चल रहे हैं पूरी दुनिया में उनको ये एम्पावर करता है। तो यही कारण है कि मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है आज तक का बाइनेंस के ऊपर। इसकी जो फार्मिंग है ऑलरेडी एंड हो चुकी है। आई होप कि आपने ऑलरेडी फार्मिंग एंजॉय करी होगी। 4 दिन की फार्मिंग थी और इसके हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं एंड डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। अभी अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन इसकी लिस्टिंग बहुत ही जल्द होने वाली है जो है पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉलफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालते रहता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखते हैं तो इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। बीटीसी लगभग $70,000 के आसपास, इथेरियम $3,500 के आसपास है और जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये भी 60 के आसपास चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अभी जो ऑल्टकॉइंस हैं अच्छा ही चल रहे हैं। और यही कारण है कि अभी जो आईओ है ये कॉइन भी अच्छा चलेगा क्योंकि इससे पहले बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल आईओ है बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। अब उसके बाद अभी अच्छा लॉन्च पूल आया, अच्छे कॉइन्स भी मिले हैं। इसी के साथ साथ बड़ी चीज़ ये है कि ये लिस्ट भी होने वाला है और वो भी इस बुलिश मार्केट में ही। तो कॉइन आयो के नाम से जो आपने ऑलरेडी शायद टाइटल में या फिर थंबनेल के ऊपर ऑलरेडी देख लिया होगा, तो ये लॉन्च पूल के ऊपर आया था। 4 दिन की फार्मिंग हो चुकी है, अभी कॉइन सबको वॉलेट में मिल चुके हैं। अभी वो जो कॉइन्स हैं वो सडनली इनकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है कितने बजे लिस्ट होने वाला है। तो ध्यान से यहाँ पे डेट नोटिस कर लो, डेट तो आज की ही है यानी कि 11 तारीख है और जो टाइम है यह 12 UTC का। अभी अगर हम देखें तो UTC कितना टाइम है, लगभग 4 UTC में। तो आप कभी भी सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर कि UTC का टाइम कितना है, जैसे कि मैंने अभी देखा है तो 4 कुछ बजे हैं और ये जो लिस्टिंग होने वाली है ये 12 PM यानी कि दोपहर के 12 बजे जो कि UTC का 12 होगा, यानी कि लगभग 6 घंटों के बाद इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब इसके बाद 6 घंटे अगर हम काउंट करते हैं यानी कि लगभग 3:30 बजे इसकी लिस्टिंग होगी, तो 3:30 बजे डायरेक्टली ये लिस्ट हो जाएगा। और इसके जो पेयर्स लिस्ट होने वाले ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, आयो का BTC के साथ पेयर आएगा, एक USDT, BNB, FDSD और ट्राई, ये लगभग 5 पेयर्स हैं, ये सारे पेयर्स आने वाले हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो USDT और FDSD मायने रखता है, यानी कि आप इसमें ट्रेड कर पाओगे और लिस्टिंग होती प्राइस बहुत ज़्यादा सडनली ऊपर जाने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है और ये प्रॉमिसिंग क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं io.net के नाम से, यहाँ पे आप इसका टाइटल देख के ही समझ आओगे, ज्यादा इंटरनेट ऑफ GPUs, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो पूरे वर्ल्ड के GPUs हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस होती है, जो GHz में पावर होती है, उसको इकट्ठा करके एक जगह पर लगाया जा रहा है। और इससे ऊपर अगर हम और भी बड़ी चीज़ की बात करें तो ये सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट है। सोलाना ऐसा कॉइन है जो कि अभी 5वें नंबर पर चल रहा है, यानी कि BNB का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑल्टकॉइंस में अगर कोई आता है तो वो इथेरियम, BNB और सोलाना ही आता है। और सोलाना के ऊपर जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो मीम कॉइन ही क्यों ना हो, इससे पहले मीम कॉइन्स भी आए थे तो वो भी बहुत अच्छे चले, यानी कि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। और ये अगर हम देखें ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम इनका यूज़ केस देखते हैं तो यूज़ केस वन ऑफ द बेस्ट है। ऑन डिमांड GPU एक्सेस यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है और डॉलर्स पे आप देख सकते हो जैसे कि $550 पर मंथ यहाँ पे ये देने वाले हैं। इस तरीके से इन्होंने बताया कि 100x GPU से कॉम्पिटिटर से भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि मार्केट में अभी अगर किसी कॉम्पिटिटर के पास जितने भी GPUs हैं उससे 100 गुना ज़्यादा इनके पास GPUs हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क फिजिकली नहीं बल्कि ऑनलाइन ही बन रहा है जो कि ब्लॉकचेन के द्वारा बन रहा है। और इसके जो पार्टनर्स हैं इसमें सोलाना है, एप्टोस है, द रेडर नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यह सिंपली GPU को काम पे लगाते हैं और इससे क्या कि आपकी अर्निंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो विड्रॉल्स होने वाले ये भी सोलाना के द्वारा ही होने वाले। टाइम तो आप नोट करना ही करना कि कितने टाइम पे ये लिस्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बाकी अपडेट्स मिलने वाली हैं, या तो बाइनेंस के इनके ट्विटर के ऊपर मिलेंगी या फिर आपको इनके खुद के मेन जो ट्विटर है io.net के नाम से ये ट्विटर है, या फिर आप इसको io.net से ही सर्च करते हो तब भी आपको ये मिल जाएगा। तो इनका जो काउंटडाउन इन्होंने लगभग 7 घंटे पहले ही बता दिया था कि काउंटडाउन हो चुका है आयो का लॉन्च होने का। एक तो इन्होंने क्या कि इग्निशन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम रखा था जिसमें ये अलग से अपने आयोस दे रहे थे, दूसरा था बाइनेंस के ऊपर यानी कि बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर यहाँ पे कॉइन्स मिल रहे थे। तो दोनों जगह पे कॉइन्स मिल रहे थे जिसकी वजह से अभी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा हाइप में आया। अभी इसी के साथ साथ एक नेगेटिव न्यूज़ भी है, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो CEO है सोलाना बेस्ड डीपिन प्रोटोकॉल का अहमद शदीद, वो स्टेप डाउन कर गए, लेकिन उनकी जगह कोई और CEO अभी ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि पहले COO थे।
टोरी ग्रीन के नाम से, वो अभी CEO बन चुके हैं इसी प्रोजेक्ट के। तो इन्होंने बताया कि अभी भी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये जो CEO शादीद के नाम से ये जो स्टेप डाउन किए, इन्होंने भी 1 मिलियन IO टोकन्स डोनेट करने हैं ताकि वो इकोसिस्टम को ग्रो कर पाएं। तो आप देख सकते हैं कि इनका इतना बड़ा जो डोनेशन है, ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है IO प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का। तो आज शायद मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन IO के आपको आने वाले समय में काफ़ी सारे वीडियोस मिल सकते हैं, क्योंकि IO की अपडेट्स ही कुछ ऐसी होने वाली हैं। IO वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है जो कि बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आया होगा। इससे पहले भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए थे, जैसे कि हमने पहले ओमनी कॉइन देखा था, नॉट कॉइन देखा था, सागा का लॉन्च पूल आया था, ENA के नाम से आया था, ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक दो प्रोजेक्ट्स ही ऐसे रहे हैं जो अच्छे नहीं चले हैं। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके कॉइन्स भी लिमिटेड मिले हैं, यानी कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिलके, जब भी कॉइन्स लिमिटेड मिलते हैं इसका मतलब ये भी होता है कि जो अवेलेबिलिटी थी कॉइन्स की, जो रिवॉर्ड के लिए इन्होंने रखे गए थे कॉइन्स, वो भी बहुत ज़्यादा कम रखे हुए थे, कम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था, यानी कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से क्या है कि वैल्यू और भी ज़्यादा ऊपर जाती है। अब इतने कम कॉइन्स मिले हैं जिसकी वजह से इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इन कॉइन्स को अपने हिसाब से सेल ज़रूर करना या फिर ट्रेड करना, ताकि आप इससे प्रॉफिट ज़रूर बना पाएं। जैसे लिस्ट होगा, एक अच्छा प्राइस मिलेगा, उसी प्राइस पे आप सेल भी कर देना। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप या तो पूरा सेल कर सकते हो, दूसरा ये है कि IO कॉइन को आप होल्ड कर सकते हैं, यानी कि आधा या फिर कुछ परसेंटेज सेल कर दो, कुछ परसेंटेज होल्ड करके रखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि जो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई देखते हैं तो इसकी सप्लाई ही काफ़ी लिमिटेड है, आप देख सकते हो 500 मिलियन की सप्लाई है, बहुत बहुत लिमिटेड है। सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 95 मिलियन IO कॉइन्स की है, यानी कि जितने भी कॉइन्स आपके पास हैं या फिर आप बाय करने का आपको मौका मिलता है लिस्टिंग होते, तो उन कॉइन्स को संभाल कर रखना, क्योंकि आने वाले समय में यही कॉइन्स आपको एक BNB के बराबर या फिर एक सोलाना के बराबर दिखने वाले हैं। तो यही मेरी तरफ से अपडेट है IO.net के बारे में, जो कि एक्चुअल में AI कंप्यूटिंग एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसकी बाकी की अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ही दे दूंगा, तो टेलीग्राम के ऊपर हमेशा जुड़े रहना, जो है WolfTrade Official के नाम से। और अगर आपको कुछ भी सवाल है या फिर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो WolfTrade कम्युनिटी के ऊपर आ सकते हो, जो कि हमारा खुद का यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, जिसके ऊपर कोई भी आपका डाउट होगा या कोई भी सवाल होगा तो वहाँ पे मैं आपको पर्सनली जवाब देने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए किसी भी ऑल्टकॉइन के बारे में, या फिर कोई भी आपका डाउट है, नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ही ऑल्टकॉइन के ऊपर लेकर आऊँगा। और हमारे रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप्स भी चलते रहते हैं जो कि बिटमार्ट के ऊपर होते हैं, ये मैं आपको साथ के साथ अपडेट कर दूंगा। अगर आपने एयर ड्रॉप्स में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको लिंक मिलेगा बिटमार्ट का डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करके साइन अप लीजिए और अपना जो आईडी है UID उसको नीचे कमेंट कर दो, ताकि मैं आपको हमारे एयरड्रॉप वाले ग्रुप में डाल दूं, ताकि आपको रेगुलर एयरड्रॉप्स मिलते रहें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।